हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। डिविजिबिलिटी रूल पे हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है थर्ड पार्ट डिविजिबिलिटी रूल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। आज की डिविजिबिलिटी के रूल में हम सीखने वाले हैं 5 की डिविजिबिलिटी का रूल एंड 25 की डिविजिबिलिटी का रूल, यानी कि 5 की विभाज्यता का नियम और आपका 25 की विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले 5 की डिविजिबिलिटी का रूल हम सीखने वाले हैं। तो यहां पर डेफिनेशन है हमारे, अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, यानी कि लास्ट डिजिट इफ 0 और 5 सो कंप्लीट नंबर या होल नंबर डिविजिबल बाय 5। तो यहां पर अगर हमारा अंतिम नंबर, लास्ट जो डिजिट होती है, वंस वाली जो नंबर होता है या इकाई वाला जो नंबर होता है, अगर वह 0 और 5 होता है किसी भी नंबर में, तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बात आती है सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या है हमारे पास, 25 की विभाज्यता का नियम। तो इसके लिए क्या है, अंतिम दो अंक 00, 25, 50 या 75 हो तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 25 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है कि लास्ट टू डिजिट, यहां पर क्या करना है 25 की डिविजिबिलिटी के रूल में हमको क्या चेक करना है कि लास्ट टू डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 00 होना चाहिए या आपका 25 होना चाहिए या 50 होना चाहिए या 75 होना चाहिए। तो अगर आपको लास्ट टू डिजिट इनमें से कोई भी दिखता है तो वह पूरा का पूरा नंबर जो है 25 से डिविजिबल हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है, लास्ट टू डिजिट इफ 00, 25, 50, 75 सो कंप्लीट नंबर या होल नंबर डिविजिबल बाय 25। तो यानी कि पूरा का पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, 25 से डिविजिबल हो जाएगा। ये तो थी सिंपल सी डेफिनेशन। अब समझेंगे हम एग्जांपल से। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, दोनों के लिए सेम एग्जांपल है और दोनों को हम अप्लाई करने वाले हैं दोनों रूलों को। तो 5 की डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या पढ़ा है कि लास्ट डिजिट, 5 की डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ना है, लास्ट जो डिजिट है हमारी, यानी कि लास्ट जो नंबर है वह या तो 0 हो या 5 हो तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब यहां पर इसको चेक करेंगे तो लास्ट नंबर यानी कि ये वाला नंबर इसको चेक करना है तो यह क्या है, 5 है। और 5 की डिविजिबिलिटी के रूल में यही कहा गया है कि अंतिम नंबर क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5, दैट मींस यह क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब चेक करते हैं 25 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट टू डिजिट, क्या याद रखना है, लास्ट टू डिजिट आपकी या तो 00 होनी चाहिए या 25, 50 या 75 होनी चाहिए। तो यहां पर लास्ट टू डिजिट क्या है हमारी, 0 और 5 है, तो दैट मीन्स योर 25 से डिविजिबल नहीं होगी। तो यहां क्या आ जाएगा आपका, सिंपल सा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको पहचानना है। अब हमारे पास क्या है, एक और एग्जांपल है तो और बेटर से आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। यहां पर आपको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है 5 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो लास्ट डिजिट या तो 0 या 5 होना चाहिए, तो यहां 0 है तो दैट मीन्स 5 से ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। और 25 के लिए क्या कहा था, 00, 25 या 50 या 75, तो यहां 50 है हमारा, दैट मीन्स योर 25 से भी डिविजिबल होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज क्या सीखा है, 5 की डिविजिबिलिटी का रूल और 25 की डिविजिबिलिटी का रूल। ये था हमारा थर्ड पार्ट और इसी एग्जांपल के साथ साथ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। बाकी के जो हमारे डिविजिबिलिटी के रूल बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।